Good morning, friends. So, in our answer writing initiative by IES Network, today is day six, and today we'll be taking a topic from geography, and that topic is forest fires. So, we'll be looking at why this topic was important in recent times. We were seeing events of Amazon rainforest fires, Australian bushfires, and also fire, forest fires in the state of California. And there were also incidents of uh, forest fires in India as well. So we'll try to look what can be a probable question for Mains 2020 and also a question from forest fires per se, and we'll try to form a good and a holistic answer. So let's begin. So if we look at from paper 1, GS Geography, the topic forest fire is important because there were events of Amazon rainforest fire in the year 2019, which was very much in news. news सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया के अंदर बुश फायर्स हुई हैं देट इज़ ऑल्सो अंडर लाइमलाइट एंड कैलीफोर्निया में जो फॉरेस्ट फायर्स हैं दैट इज़ ईयरली फोमिना ठीक है होता ही रहता है वहाँ पर अब हम देखते हैं इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं तो उसी को हम डिस्कस करने के लिए आई हैव फ्रेम्ड वन क्वेश्चन एंड विल ट्राई टू फ्रेम वन आंसर फॉर दिस सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन सो द क्वेश्चन वी हैव टूडे इज वॉट इज द जोग्राफी ऑफ एमेजोन फॉरेस्ट अमेजोन फॉरेस्ट की जोग्राफी है क्या ठीक है फर्स्ट पार्ट है सेकेंड है डिस्कस द मेन रीजन्स फॉर इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर्स इन अमेजन ठीक है पहले तो जोग्राफी पूछा है फॉरेस्ट अमेजॉन फॉरेस्ट की उसके बाद इट इज़ आस्किंग अस टू डिस्कस द रीजन्स फॉर इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर्स ठीक है सो इट्स अ फिफ्टीन मार्कर क्वेश्चन देर आर टू क्वेश्चन टैग्स वन इज वॉट क्वेश्चन टैग वन द अदर वन इज डिस्कस एंड दैट इज क्वेश्चन टैग टू ओके सो एज वी नो दैट वॉट कम्स अंडर लाइट कीवर्ड एंड दे वी विल भी अलोकेटिंग मच वेटेज लेस वेटेज टू आवर वॉट पार्ट रफली अराउंड लेट से थर्टी परसेंट वील बी एलोकेटिंग टू दिस पार्ट आउट ऑफ हंड्रेड एंड डिसकस कीवर्ड्स लाइक एग्जामिन हो गया एनालाइज हो गया क्रिटिकली एग्जामिन हो गया ठीक है दीज आर हैवी कीवर्ड्स ठीक है तो हम इसको क्या है कि ज़्यादा वेटेज देंगे तो रफली अराउंड वी विल भी गिविंग अराउंड सिक्सटी परसेंट वेटेज ठीक है ना लेट्स ट्राई टू फॉर्म अ गुड आंसर अब आंसर के अंदर फर्स्ट अगर हम स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन सो इंट्रोडक्शन एज वी हैव सेट द पैटर्न कि इंट्रोडक्शन दो तरीके से लिख सकते हैं वन कैन बी स्टैटिक ठीक है वर्सेस डायनामिक जो दूसरा है वो डायनामिक हो सकता है ठीक है तो अगर स्टैटिक लिखना चाहते हो तो यू नीड टू डिस्कस अबाउट द ब्रीफ जोग्राफी इन द इंट्रोडक्शन इट्सल्फ डायनेमिक लिखना चाहते हो तो यू कैन गिव अ स्टैटिस्टिक्स रिलेटिंग टू द फॉरेस्ट फायरस इन अमेजॉन इन द रीसेंट टाइम्स ठीक है दोनों ही लिख सकते हैं अगर मैं स्टैटिक की बात करूँ ठीक है तो स्टैटिक के अंदर हम लिख सकते हैं कि अमेजॉन फॉरेस्ट इज़ द लार्जेस्ट वॉट लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड ठीक है लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है वर्ल्ड के अंदर ठीक है कवर्स अराउंड वन थर्ड ऑफ साउथ अमेरिका ठीक है ये हो गया डायनेमिक की बात करूँ तो मैं अकॉर्डिंग टू डायनेमिक के अंदर एक स्टैटिस्टिक्स है दैट अकॉर्डिंग टू ब्राज़ील नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च ठीक है फॉर स्पेस रिसर्च अकॉर्डिंग टू इट इसने क्या बताया देर इज इंक्रीज ऑफ अराउंड एटी फाइव परसेंट ऑफ फॉरेस्ट फायर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस ठीक है तो मतलब पिछले साल जितनी फॉरेस्ट फायर हुई थी उससे देर इज जंप ऑफ अराउंड एट्टी फाइव परसेंट ठीक है तो हम इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं बट बेटर रहेगा क्योंकि फॉरेस्ट फायर की चीज़ सेकंड में बात करिए तो हम सेकंड में उस चीज़ को यूज़ कर करें उस स्टैटिस्टिक्स को ताकि हमें हेल्प मिलेगी वहाँ पर सब्सटेंशिएट करने के अंदर हमारे आंसर को फर्स्ट पार्ट हम जोग्राफी बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं अब स्टैटिक में हमने ये तो बता ही दिया लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है कवर्स वन थर्ड ऑफ द साउथ अमेरिका अब जो जोग्राफी की बात करिए और ज्योग्राफी के अंदर अंदर हम देखा है कि आंसर्स लिखते वक्त जोग्राफी के वी नीड टू गिव अ स्पेशल डायमेंशन ठीक है स्पेशल डायमेंशन देना ही देना है ठीक है तो स्पेशल डायमेंशन के लिए वी विल ड्रॉ अ मैप ठीक है मैप हम ड्रॉ करेंगे रीजनल मैप ऑफ ब्राज़ील और अमेजन फॉरेस्ट और साउथ अमेरिका के अंदर उसको प्लॉट कर देंगे अब इसकी जोग्राफी अगर देखें ठीक है तो इट कवर्स ठीक है ये कंट्रीज तो इसमें आई ही रही कोलंबिया हो गया हल्का सा वेनेजुएला हो गया ब्राज़ील पेरू बोलीविया इक्वेडोर ठीक है अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज़ बीन सराउंडेड बाय व्हाट एंडीज एंडीज़ क्या है उसको सराउंड करते हैं कहाँ पे वेस्ट साइड में ठीक है वेस्ट में एंडीज हो गए ऊपर क्या है कि यहाँ पर गायना हाईलैंडस हैं सराउंड फ्रॉम द नॉर्थ अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में हमारे पास क्या है अटलांटिक ओशन है ही ठीक है और अगर हम यहाँ की बात करें साउथ की तो यहाँ पर क्या आता है ब्राज़ीलियन सेंट्रल प्लेट्यू इसको साउथ से सराउंड करता है ठीक है ये वर्ल्ड जोग्राफी के अंदर आप पढ़ोगे कॉन्टिनेंट वाइज तो यू विल नो कि दीज आर द बेसिक जियोमार्फोलॉजिकल टॉपिकल फीचर्स टोपोग्राफिकल फ़ीचर्स ऑफ साउथ अमेरिका तो हमने इसकी जोग्राफी के अंदर ये डिस्क्रिप्शन कर दिया पर जोग्राफी के अंदर तो और भी एलिमेंट्स आते हैं अगर ब्रॉडली अगर एग्जामिनर इसको डिसाइफ़र करे तो और भी एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स के अंदर हम क्या बात कर सकते हैं क्लाइमेट की बात कर सकते हैं क्लाइमेट कैसा रहता है अमेजोन का बहुत ब्रीफ में करना है क्यों क्योंकि इट इज़ जस्ट वॉट तो हम बता सकते हैं कि टेमपेचर इज़ यूजअली अराउंड ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस ठीक है प्रेसिप्टेशन कहाँ होती है यहाँ पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट तो अराउंड क्या आएगी ट्वेंट सेंटीमीटर की प्रेसिप्टेसन तो होगी होगी ठीक है इसके अलावा वेजिटेशन कैसा मिलता है यहाँ पे वेजिटेशन की बात कर लेते हैं तो वेजिटेशन के अंदर ट्रॉपिकल हार्डवुड ट्रीज मिलते हैं यहाँ पे ट्रॉपिकल हार्डवुड ट्रीज ठीक है ये हमारा क्लियर हो गया है तो ये हम बेसिक जोग्राफी के अंदर पार्ट के अंदर डिस्कस कर सकते हैं हमने बता दिया कि लोकेशन क्या है लोकेशन के अंदर बाउंड्रीज डिस्कस कर दी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एट द सेम टाइम वे डिस्कस अबाउट क्लाइमेट वी डिस्कस अबाउट वेजिटेशन एंड डिस्कस अबाउट वट ऑल कंट्रीज एमेजॉन रेन फॉस्ट इज स्प्रेड टू ठीक है तो ये बेसिक हमने स्टफ डिस्कस कर लिया फर्स्ट वाले पार्ट के लिए वॉट के लिए दिस इज़ मोर देन इनफ बिकॉज यू आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ रीजनल मैप ऑल्सो तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे अगर हम सेकंड वाले पॉइंट पे आए कि रीजंस क्या हैं तो रीजंस को जब डिस्कस करेंगे तो रीजंस कैन बी आई हैव कैटेगराइज्ड इनटू पॉइंट वाइज फॉर्मेट ठीक है मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं कहीं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजंस नहीं दे रखे थे बहुत अलग अलग आर्टिकल्स में से कुछ रीजन्स मैंने कैटेगराइज करके हेडिंग्स बनाई हैं ठीक है अगेन यू डोंट नीड टू गिव द रीजनल मैप टाइस एक बार मैंने दे दिया फर्स्ट पार्ट में दैट इज़ मोर देन अनफ मेरे पास ये एक अलग मुझे अच्छा लगा इन्फोग्राफिक तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है ठीक है बट इसमें स्टेटिस्टिक्स अगर देखें अपन तो देर इज़ मोर देन एटी परसेंट इंक्रीज़ एज कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर ठीक है ये स्टैटिस्टिक्स मिल रही हमें अकॉर्डिंग टू द ब्राज़ीलियन रिसर्च सेंटर अब बात करते हैं कि मेन रीजनस क्या हैं इसके तो फर्स्ट रीजन जो आ रहा है वो है इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ ड्रॉट्स देखा गया है वहाँ पर कि जो ड्रॉट्स के इंसिडेंट्स हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं ठीक है अब इसको अगर कर बात करें अर्लियर अर्लियर इट वॉज सीन की जो अमेजोन फॉरेस्ट है ठीक है अमेजोन फॉरेस्ट वॉज रिलेटिवली इम्यून रिलेटिवली क्या था वो इम्यून था किससे टू फॉरेस्ट फायर अब इम्यून क्यों था ठीक है इसलिए था क्योंकि इट हैज़ हाई मॉइस्चर कंटेंट ट्रॉपिकल एक्विटोरियल एरिया है ठीक है हाई मॉइस्चर कंटेंट है और ह्यूमिड सिचुएशंस यहाँ मिलती हैं तो इसलिए क्या है कि फायर को लगना फायर का इग्निशन टेम्परेचर पे रीच करना वाज डिफ़िकल्ट ये अर्लियर टाइम्स का परसेप्शन था मगर इन रिलेटिव इन रीसेंट टाइम्स ठीक है रीसेंट टाइम्स में क्या देखा गया है रीसेंट टाइम्स इट हैज़ बीन सीन दैट वर सेवरल एपिसोड्स ऑफ ड्रॉट्स सेवरल एपिसोड्स ऑफ ड्रॉट्स ठीक है अब उस ड्रॉट्स के एपिसोड्स की अगर हम डेट्स देखें तो कौन कौन सी डेट्स हैं नाइनटीन में हुआ है एक सेवरल ठीक है इंपॉर्टेंट ड्रॉट फिर उसके बाद 2005 में हुआ है और फिर 2010 में हुआ है ठीक है सो दीज वर द ड्रॉट पीरियड्स अब स्पेसिफिकली ये ड्रॉट पीरियड्स क्यों हो रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस या क्लाइमेटिक वेरिएशंस ठीक है जो कि हम पता है कौन कौन से क्लाइमेटिक वेरिएशंस इस पॉइंट ऑफ स्पेस में एक्ट करते हैं फर्स्ट कौन सा हो गया एलिनो ठीक है एलिनो में हमें पता है एलिनो का मतलब क्या होता है एलिनो इज़ दिस वार्मिंग अप ऑफ द पेरोवियन कोस्ट ठीक है पेरोवियन कोस्ट का वार्मिंग अप ऑफ क्या होता है इज एलिनो सिचुएशन ऑफ एलिनो होती है तो इसके चक्कर में क्या होता है कि देर पेरुवन कोस्ट के यहाँ पर जो भी वाटर है वो क्या है वार्म हो जाता है एंड दैट वार्म इफेक्ट इट सेंड्स टूअर्ड्स द हिंडरलैंड ठीक है पहली चीज़ ये हो गई दूसरी चीज़ क्या हो गई कि इट हैज़ बीन सीन कि देट देर इज़ इंक्रीजिंग वार्मिंग ऑफ किसकी वार्मिंग हो रही है एट द सेम टाइम अटलांटिक ओशन ठीक है अटलांटिक ओशन की वार्मिंग भी हो रही है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ठीक है अब इन दोनों फैक्टर्स ने दे हैव इंक्रीज द फ्रीकवेंसी ऑफ दीज ड्रॉट्स ठीक है ये चीज़ हो गई सेकेंड हम बात करते हैं कि विशियस साइकिल में ट्रैप हो गया है कौन अमेज़ॉन फॉरेस्ट कैसे कि हर साल क्या है इनक्रीज़ हो रही रेट या फ्रिक्वेंसी किस चीज़ की फ़ॉरेस्ट फायरस की तो ये जब ये रेट इंक्रीज़ होती है तो ये पॉजिटिवली फीडबैक देती है कि इसको क्लाइमेट चेंज को ठीक है तो क्लाइमेट चेंज भी इंक्रीज़ हो जाता है फिर क्लाइमेट चेंज क्या है कि वापस इसको पॉजिटिवली फीडबैक देता है और इंक्रीज़ करने के लिए फिर ये क्या है कि वापस इसको इंक्रीज़ कर देता है ठीक है तो क्लाइमेट चेंज के कारण ही तो क्या ये दो फैक्टर्स हमारे पास और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जा रहे थे तो वी कैन राइट दिस हेडिंग एज वेल जो थर्ड पॉइंट आता है थर्ड पॉइंट है कि सीजनल एग्रीकल्चर पैटर्न ठीक है देर इज़ अ सीजनल एग्रीकल्चर पैटर्न विच द ट्राइबल्स लिविंग इन दीज एरियाज़ फॉलो अब वो सीजनल एग्रीकल्चर पैटर्न क्या है कि यहाँ पर टू मंथ्स होते हैं ठीक है टू मंथ्स कौन कौन से मंथ्स हैं फर्स्ट इज जुलाई एंड सेकेंड इज अगस्त दीज टू मंथ्स आर द ड्राइस्ट जो ईयर के ड्राइस्ट मंथ्स होते हैं ये दोनों होते हैं देर फोर के वहाँ की जो कम्यूनिटीज़ हैं कम्युनिटीज क्या करती हैं इस मंथ का फायदा उठाती हैं टू क्लियर द फॉरेस्ट ठीक है फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए बाय बर्निंग इट ठीक है ड्राई कंडीशंस होंगी तो क्या है बाय फायर दे विल बर्न इट ठीक है ड्राई कंडीशंस हैं ईजिली फायर कैच हो जाएगी और वहां पर बर्न कर लेंगे बर्न करने का इनको रीज़न क्या है टू डू स्लैश एंड बर्न स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ट्राइबल नेचर ऑफ द सोसाइटी है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर दे प्रैक्टिस ठीक है तो इसके लिए वो करते हैं एट द सेम टाइम और क्या रीजन हैं उनको बर्न करने के लिए कि उनके पास जो कैटल्स हैं उनकी रेंचिंग एक्टिविटीज़ को ईजीली क्या है इंटर लैंड में ले जाने के लिए दूसरा लॉगिंग एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए सो दे बर्न द वेजिटेशन इन द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त विच आर ड्राइस्ट इन द होल ईयर ठीक है तो सीजनल एग्रीकल्चर पैटर्न कारण क्या है कि जो फार्मर्स हैं वहाँ के जो लोकल नेटिव फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं ये प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं ठीक है ये हमने समझ में आ गया अब नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी ऑफ डिफॉरेस्टेशन अब डिफॉरेस्टेशन की जो एक्टिविटी है वो भी क्या है कि बहुत ज़्यादा हो रही है स्पेशली बाई नेटिव्स ठीक है एक तो नेटिवस कर रहे हैं ठीक है नेटिवस क्या कर रहे हैं फॉर देयर फायरवुड एक्स्ट्रेक्शन ठीक है फॉर देयर डेली यूज़ ठीक है फायरवुड एक्स्ट्रक्शन कर रहे हैं बट एट द सेम टाइम जो नेटिवस के अलावा क्या है कॉमर्शल आस्पेक्ट पर भी क्या है वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ठीक है फॉर लॉगिंग एक्टिविटीज़ कॉमर्शल आस्पेक्ट्स पर भी क्या है कि वहाँ पर लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज़ आर बीन अंडरग्राउंड ठीक है लॉगिंग पर्पसेज ठीक है बड़े बड़े जो फार्म लैंड्स होते हैं उनके अंदर क्या है कि लॉग्स के लॉग्स जो होते हैं हार्डवुड के उनको काट दिया जाता है फिफ्थ पॉइंट क्या हम देखते हैं अब एज अ रिजल्ट ऑफ़ इसके चक्कर में हुआ क्या है कि जब सीजन एग्रीकल्चर पैटर्न जो हुआ है यहाँ पर इसने क्या किया है कि इसने अमेज़ोन का अमेज़ॉन फॉरेस्ट का अराउंड ट्वेल्व परसेंट जो पोर्शन है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया फार्म लैंड में ठीक है ये स्टेटिस्टिक्स यू कैन गिव एज रिजल्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज़ मोर देन ट्वेल्व परसेंट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अमेजॉन फॉरेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इंटू फार्म लैंड वो फार्म लैंड बन के निकल गया है अब जब फार्म लैंड बन जाएगा ठीक है तो जो कंडीशन थी पहले की कौन सी मॉइस्ट और ह्यूमिड जो कि रहती थी कहाँ पर इस अमेजोन फॉरेस्ट के अंदर वो अब क्या नहीं रहेंगी क्यों क्योंकि पहले तो ये फॉरेस्ट कैसा हुआ करता था क्लोज्ड और क्लोज्ड में क्या है ये कंडीशंस कैसी रहती थी इंटैक्ट ठीक है मगर अब क्या है फॉरेस्ट कैसा हो गया हमारे पास हमारे फॉरेस्ट हो गया ओपन ठीक है ओपन होने के बाद क्या है कि कंडीशन मिलती नहीं है तो इसलिए क्या है कि ड्रॉट्स भी हो रहे हैं और वो कंडीशन भी क्या है वर्स से वर्स होती जा रही है अब लास्ट पॉइंट देखेंगे एस्पिरेशंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वी ऑल नो दैट ब्राज़ील एंड मेनी कंट्रीज़ इन साउथ अमेरिका आर डेवलपिंग नेचर ठीक है डेवलपिंग नेचर है तो अब क्या है कि वो लार्ज स्केल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के लिए इनिशिएटिव्स ले रही हैं लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन ठीक है अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स लाइक रोड्स डैम्स और रेलवे लाइन्स ठीक है तो अब इसके चक्कर में क्या क्या हो रहा है हमारे पास कि देर इज़ मोर हैबिटाट डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हैबिटाट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है एंड दिस हैबिटाट डिस्ट्रक्शन इज लीडिंग टू मोर ओपन एंड वल्नरेबल एमेज़ोन फॉरेस्ट ठीक है पहले तो क्या था हमारे पास हैबिटाट ऐसा था पूरा का पूरा बट अब क्या हुआ है ये हैबिटाट क्या है ड्यू टू दीज एक्टिविटीज़ यहाँ से रेलवे लाइन चली गई है ठीक है यहाँ पर क्या है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ के करें डैम बना दिया है तो अब क्या है कि ये ऐसा हो गया है फ्रेगमेंटेड नेचर हो गया है इसका अमेजोन फॉरेस्ट का और ये क्या है कि इसको मोर एक्सेप्टेबल बनाता है टूवर्ड्स फॉरेस्ट फायरस ठीक है तो ये चार पाँच पॉइंट्स रीजनस हैं इसके स्पेसिफिक जो कि एग्जामिनर कैन आस्क एनी टाइम आप कंक्लूजन के अंदर देना है हमें तो हमें पता है कि देर इज़ अ प्रोविजन ऑफ अमेजॉन फ़ंड ठीक है तो अमेज़ॉन फंड जो है उसके जो फंड्स हैं जो कि क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी कंट्रीज़ फ़ंड करती है जर्मनी हो गया अलग यूरोपियन कंट्रीज हैं वो फ़ंड करती हैं तो अमेज़ॉन फंड के अंदर क्या है कि इंक्रीज़ करना इसका कॉन्ट्रीब्यूशन को एट द सेम टाइम जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ की ठीक है लोकल कम्युनिटीज़ को क्या करना है वहाँ पर सपोर्ट करना ठीक है टू नॉट गो फॉर सच प्रैक्टिस लाइक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ठीक है प्लस एट द सेम टाइम देर इज़ ए नीड ऑफ पोलिटिकल विल ठीक है एग्जाम्पल कि ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने क्या है कि ये एक ओथ ली है टू री स्टोर ठीक है टू री स्टोर अराउंड फोर पॉइंट एट मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड बाई ट्वेंटी थर्टी फ्राम डिफॉरस्टेशन एक्टिविटीज़ ठीक है फ्राम डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज से इसको रिस्टोर करने का इन्होंने ओथ ली है तो हमने देखा कि ये चार पाँच पॉइंट्स जो हैं ये हमारा आंसर बना सकते हैं इसमें एक पॉइंट जो मेरे से मिस हो गया वो ये है जोग्राफ़ी के अंदर कि हम यहाँ पर बात और करेंगे अमेजॉन रिवर की ठीक है अमेज़ॉन रिवर के लार्जेस्ट रिवर है डिस्चार्ज के फॉर्म में लॉन्गेस्ट नहीं है लार्जेस्ट है लार्जेस्ट का मतलब वॉल्यूम वाइज ठीक है ठीक है वॉल्यूम वाइज ज़्यादा है अब ये क्या है कि पहले तो कहाँ फ़्लो करती थी पहले इट यूज़ टू फ्लो वेस्टवर्ड्स मतलब ये अमेज़न रिवर जो है पहले यहाँ फ़्लो होती थी ठीक है मगर क्या हुआ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एंडीज़ इसका चैनल क्या वापस बदल गया एंड नाउ इट ड्रेन्स टूवर्ड्स ईस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड में ड्रेन होकर कहाँ पर जाती है हमारे पास अटलांटिक ओशन में तो जोग्राफी के अंदर ये पार्ट ऑफ हम डिस्कस कर सकते हैं तो हमने देखा कि किस तरीके से अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो हैं वो अभी सक्सेप्टेबल हो चुके हैं फॉर फॉरेस्ट फायर्स ठीक है दे इज़ अ मार्जिनल जंप ऑफ सब्सटेंशियल जंप ऑफ अराउंड एटी फाइव परसेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस ठीक है और एग्जाम में फॉरेस्ट फायर पे क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन रीसेंट टाइम्स स्पेशली इन द वेक ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग ठीक है तो और कोई क्वेश्चन पर जिसमें हम डिस्कशन ले सकते हैं या फिर कोई और टॉपिक है पर्टिकुलर इन विच आर फाइंडिंग डिफिकल्टी काइंडली लेटेस्ट नो इन द कमेंट सेक्शन आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट ऑल्सो ट्राई टू जॉइन द यूट्यूब चैनल ऑफ आई एस नेटवर्क एंड द टेलीग्राम चैनल ऑफ आई एस नेटवर्क थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे